पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट का कोई कदर नहीं है। 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते नेशनल पे लोगों के बाद भी मैं एक चौकीदार हूँ। इस मेडल का कोई फ़ायदा नहीं है, इस मेडल पे मैं क्या करूँ। पाकिस्तान भर में स्पोर्ट्स के जवाल की बहुत सारी वजूहात में एक ये भी है कि यहाँ पर जूनियर लेवल पर ही एथलीट को सियासत की नज़र कर दिया जाता है। आज एक ऐसे ही एथलीट से आपकी मुलाकात करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समी खान, नेशनल प्लेयर। मैं स्पोर्ट के अलावे से बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट का कदर नहीं है। हमने इतना मेहनत किया, हम पूरा रात को वहाँ अपना ड्यूटी करते हैं, फिर यहाँ के अपना हम ट्रेनिंग करते हैं, मॉर्निंग में भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट का कोई कदर नहीं है। 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हैं, उसमें हमारा कोई गुजारा नहीं होता। हम अपना मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद हम आते इधर अपना ट्रेनिंग करते हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं है, सपोर्ट कोई भी नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक के भी हालात है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। कल खुदा ने यहाँ कुछ हो, कौन जिम्मेदार है इसका। जब मैं नेशनल जूनियर खेलने गया लाहौर पे, तो वहाँ पे मुझे खेलने नहीं दिया। फिर उसके बाद नेशनल गेम हुआ पिशावर में, यहाँ पे मैं सेलेक्ट हुआ लेकिन मेरे को नहीं लेके गया। कराची से अच्छे एथलीट यहाँ से जाते, जब वहाँ उनका जब बारी होते खेलने के लिए तो उनको नहीं खिलाते। आप देख सकते पूरा कराची के अंदर क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक, फुटबॉल से हॉकी तक एथलेटिक्स के अंदर सियासत चलते हैं, क्योंकि इसके वजह से सारा पाकिस्तान का हमारा एथलेटिक्स तबाह बर्बाद हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। और जब हम पैसा देते तो फिर आगे लोग निकलते हैं। कोई भी स्पोर्ट हो, इसके साथ जो है ना स्पॉन्सर ज़रूरी है। जब तक आप आगे नहीं जा सके, जब तक आपके पास स्पॉन्सर ना हो। अगर आप नेशनल के लिए तैयारी करें, कम से कम मैंने आपको महीना कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा है, लेकिन हमारा तो 25 हज़ार तनख्वाह, इसमें हमारा गुजारा नहीं होता, तो हम क्या करें। इस मेडल का कोई फ़ायदा नहीं है, इस मेडल पे मैं क्या करूं। ये तो आगे बिकेगा मी ताकि मैं बेचूँ, आगे अपना कोई काम करूं। एथलेटिक्स से तो बेड़ा गर्क हुआ, कुछ भी नहीं हो सकता, इस पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपना अपने ऊपर पैसे लगाता हूँ, जो तनख्वाह कमाता हूँ अपने ऊपर घर पे भी नहीं देता हूँ। घर वाले बोले आप स्पोर्ट छोड़ो, लेकिन मेरा कोई शौक है नहीं। मैंने बोला आगे जाने, मुझे खेलना है, मुझे एशिया में मेडल पाकिस्तान के लिए लाना है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट ही नहीं है। मेरा अपील है, ये मेडल हमने जीता है, ये अपना पैसों से हमने मेहनत किया, हमने पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए, हम कराची के लिए जीता है, क्योंकि हम कराची से खेलते, हम कराची के लिए जीता है। लेकिन इस मेडल पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं वज़ीर आला साहब, गवर्नर साहब से, मियां शहबाज़ शरीफ साहब से अपील करता हूँ ताकि ये एकेडमी खोलें और बाहर से कोच लाएँ इन लड़कों के लिए, और स्पॉन्सर करें, ताकि ये लड़के स्पॉन्सर करें और आगे जाए और खेले मुल्क के।